डॉट इन और मेरे साथ सासाराम के सांसद छेदी पासवान जी हैं। स्वागत है सर लाइसेंस डॉट इन में आपका। सर आपसे कुछ सवाल है कि क्या विकास को लेकर, कौन सा विकास को लेकर आप जनता के बीच लोकसभा चुनाव में बताएंगे? देखिए, हम समझ रहे हैं कि जितना इस कार्यकाल में जब MP बने हम भारतीय जनता पार्टी से, और जो काम हुआ, हम समझते हैं कि इतना काम कोई जनप्रतिनिधि नहीं कराया होगा। सबसे पहली बात है कि MPLATS के मामले में सिर्फ सूबे में, इस बिहार में ही नहीं, पूरे देश में एक नंबर पर जा रहे हैं। हमको 25 करोड़ रुपया मिला और बहुत सारे MP को मिला है, सभी MP को मिला है, लेकिन बहुत सारे MP का पैसा, अपना MPLATS का पैसा खर्चा नहीं हो सका। और हम अपना 25 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए। उसके अलावा हमसे पहले जो MP थी मीरा, श्रीमती मीरा कुमार जी, उनका 4 करोड़ 22 लाख रुपया बाकी था, वो भी पैसा हम खर्चा कर दिए। तो पूरा टोटल जितना काम हुआ है क्षेत्र में ही हुआ है, और गांव के लोग जानते हैं, इसके लिए हम सारा अपना रिपोर्ट कार्ड भी निकाले हुए हैं। सिर्फ MPLATS पर ही हम निर्भर करने वाले आदमी नहीं हैं। हम इतना दिन से राजनीति कर रहे हैं कि और कौन काम कैसे कराया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारा काम हुआ है इस इलाके में। सबसे बड़ी बात है कि जो अलौरा प्रखंड जो है, एकदम आदिवासी बहुत इलाका है, और आज तक वहाँ सिर्फ तीन गांव में बिजली की सप्लाई होती थी, बाकी टोटल गांवों की संख्या 138 है। मतलब 105 गांव में विद्युत थी ही नहीं। वहाँ MPLATS से, अपने कोटा से 252 सोलर लाइट लगाए। उसके अलावा हमारे विभाग के जो बिजली विभाग के मंत्री थे आर के सिंह से व्यक्तिगत हम लोगों का संपर्क है, वो भी आर के MP हैं, तो हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध अच्छा है। तो उनसे हम रिक्वेस्ट किए कि अलौरा पहाड़ी जो है, वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं और वहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सौर ऊर्जा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट के वजह से विद्युतीकरण में थोड़ा व्यवधान है, बाधा है वहाँ। तो हम इसीलिए रिक्वेस्ट किए कि सोलर लाइट के माध्यम से वहाँ सभी गांव में लगाया जा सकता है। तो बहुत तेज़ी से अलौरा के प्रत्येक गाँव में काम लगा हुआ है। बहुत सारे गाँव में हमको लग रहा है करीब 75% गाँव में काम हो चुका है, 25% गाँव शेष रह गया है, वो भी काम होने जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का आदेश था कि आप लोग सारे MP देश के जितने भी MP हैं, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में 3-3 आदर्श ग्राम आप लोगों को गोद लेना है। तो तीनों गांव आदर्श ग्राम बहुत सारे MP नहीं करा सके हैं, और हम तीनों ग्राम पंचायत जो आदर्श ग्राम पंचायत है, तीनों में हम काम करा के बेजाते रिपोर्ट कार्ड में हम लिख दिए कि हम काम क्या क्या कर रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि यार जो मीरा कुमार पिछले मंत्री रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई, उससे आप कहीं बेटर ज्यादा काम किए। इसमें कोई दो नहीं है। सर एक आपसे सवाल है कि आप इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि मीरा कुमार जब MP थी तो यहाँ से 57 दिन 5 वर्षों में मात्र अपने क्षेत्र में थी, 78 दिन विदेश में थी, बाकी समय उनका दिल्ली में भी था। और हमारे रिपोर्ट कार्ड में इसे लिखा हुआ है 780 दिन हम अपने क्षेत्र में रहे, लेकिन लगभग 800 दिन हम अपने क्षेत्र में रहे हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा है, सब काम यदि छोड़ करके हम सिर्फ घूमना भी शुरू करें तो सारे गाँव का भ्रमण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाँव की संख्या 4,500 है, लेकिन मैक्सिमम गाँव को टच करने का काम किया है। तो जो विकास संबंधी काम करना है, जनता के बीच में रहने का काम किया है हमने, तो चुनाव लड़ने का हमारे पास आधार है। और बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़ें, तो उस पर कोई प्रतिबंध हमारी तरफ से नहीं है। यदि उनको टिकट मिले तो लड़े, स्वागत है, लेकिन हमको टिकट नहीं मिलेगा, आखिर कारण क्या है भाई, कारण क्या है कि टिकट नहीं मिलेगा? हम पार्टी विरोधी काम नहीं किए हैं, क्षेत्र में विकास के काम किए हैं, सबसे ज़्यादा अपने इलाके में हम घूमे फिरे हैं, सबसे ज़्यादा हम काम कराए हैं, तो टिकट नहीं मिलेगा कहाँ? सवाल होता है, सब NDA में है, और NDA में माननीय नीतीश कुमार भी हैं, और नीतीश कुमार का इससे पहले कई बार आलोचना कर चुके हैं। देखिए, राजनीति में वैचारिक मतभेद होता है, तो वैचारिक मतभेद के वजह से कभी कभी कुछ काम हमको लगता है कि काम ठीक नहीं हो रहा है, तो आलोचना किए थे। लेकिन जब से गठबंधन में आए हुए हैं तब से तो हम कोई आलोचना किए नहीं है, उनका कोई आलोचना नहीं किया है। लेकिन राजनीति है, और राजनीति में वैचारिक मतभेद होता है, कोई दुश्मनी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होता है, वैचारिक मतभेद होता है। वैचारिक मतभेद के वजह से कुछ हम बोल दिए होंगे, बोलते भी, हमारे बोलने की आदत भी है, जहाँ हमको लगता है कि गलत काम हो रहा है वहाँ बोल देते हैं, चाहे कोई भी हो, अपने पार्टी में भी गलत काम होगा तो हम बोलेंगे, उसका परिणाम क्या जो भी मिले हमको कोई दिक्कत नहीं।
कारण कि हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है। यानी कि राजनीतिक भेदभाव थी और वैकल्पिक नहीं थी? न, व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक, हम बोल रहे हैं कि वैचारिक मतभेद था, व्यक्तिगत कोई परेशानी नहीं हम लोग की है। आज भी भेंट होती है तो हाल जब होता है, वो भी पटना यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी है, हम भी पटना यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी है, लगभग समकक्ष आदमी है। सर अब जब इतने विकास किए हैं और लोग इसे कि पब्लिक प्लेस में हवा है कि वर्तमान सांसद का टिकट कटने वाला है, आपके प्रभारी मंत्री निराला जी भी यहाँ से टिकट के उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं, आपको लल्लन पासवान विधायक, चनारी विधायक भी दावेदार हैं, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निराला जी और चाहे लल्लन पासवान हो, सबका मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। यदि उन लोगों को टिकट मिल जाए तो स्वागत करेंगे हम लोग, लेकिन जहाँ तक बात है बक्सर सीट हो और सासाराम सीट हो, ये पुश्तैनी भारतीय जनता पार्टी का सीट है, तो यहाँ दूसरे पार्टी के उम्मीदवार का आने का कोई प्रश्न नहीं होता है। और दूसरी बात है कि मीरा के खिलाफ में कोई नवजूद लल्लन पासवान का है और न ही निराला का है कि मीरा के सामने चुनाव लड़के जीत जाएंगे। मीरा को यदि कोई हराने का औकात रखता है, कुवत रखता है, तो अकेले एकमात्र हम हैं। आपको एक जानकारी के तौर पर हम बता दे रहे हैं कि 89 में जब जनता दल का गठन हुआ था, उसमें हरियाणा भवन में लोकसभा के टिकट बढ़ रहा था, उस समय हम विधायक थे, तो हम टिकट लेने के लिए नहीं गए थे, घूमने के लिए गए थे, देखने के लिए गए हुए थे। तो देवीलाल रामविलास जी को बोले मीरा का टिकट यहाँ से फाइनल हो गया था, तो देवीलाल बोले कि रामविलास पासवान तुमको चुनाव शासन से लड़ना है, रामविलास पासवान जी तुम कुछ कर देगा, नहीं चुनाव लड़ेंगे, बेगराज विधायक को दे दीजिए। जानते नहीं है, जानते हैं ना, कभी हमारी भेंट हुई है, तो उसको टिकट देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम सबसे एक लास्ट सवाल करेंगे, नहीं इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग, तब बुलाए हमको तो बोले कि एक तो लंबा चौड़ा लड़का है साथ में चिनारी से विधायक है, जनता दल में है, उसको बुलाओ। बुलाए तो पीछे पीछे भी चुनाव लड़ो आराम से, वही एकदम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव 1.5 लाख वोट से हम जीत के आएंगे। बल्कि वो शाबाशी दी है कि देखो ये बहादुर आदमी का काम है, बहादुर ये सब बोल सकता है, तुम्हारा टिकट ओके हुआ। तो हम उस समय उस स्थिति में चुनाव लड़े जब ये जीवनराम का सीट खाली हुआ था, उनकी जगह पर उनके उत्तराधिकारी मीरा कुमार आई थी, मतलब मीरा कुमार के आने का मतलब कि जगीवराम पहला दफे जो चुनाव हुआ जगीवराम को मटे, जब उस समय हम हरा दिए तो बिहार में और कोई दूसरा आदमी नहीं जो मीरा को हरा सके। यानी कि आपको खुले तौर पर कहना है कि अगर किसी को महागठबंधन में अगर कोई भी आता है, अगर मीरा कुमार चेहरा आती हैं, तो उनको हराने का किसी और की एनडीए में ताकत नहीं है, सिर्फ एनडीए में ताकत है तो हम क्षति पासवान जी को। एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सोचने की बात नहीं है। तो आपका विकास का एजेंडा क्या रहेगा, पब्लिक में किस विकास को लेकर आप दर्शाएंगे? देखिए, जो भी जनता की बुनियादी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सड़क का है, बिजली का है, ये सब बुनियादी जरूरत है, इन सबों में अधिक से अधिक विकास कैसे हो सकता है, वो काम हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यातायात की सुविधा होनी चाहिए क्षेत्र में, यातायात की सुविधा चाहे सड़क हो, पुलिया हो, रेलवे लाइन हो, बिजली हो, हवाई जहाज हो, यदि यहाँ से जिस स्थान से जुड़ जाता है तो उस इलाके के लोगों का आर्थिक विकास स्वतः हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि मेरा आर्थिक विकास कैसे हुआ, तो आर्थिक विकास हो जाता है। तो इन सब कामों पर हमारा विशेष ध्यान रहता है और अगला कभी भी हमारा ध्यान यही पर रहेगा। तो आप अभी देख रहे थे लाइव सिटीज डॉट इन और मेरे साथ थे क्षति पासवान, सासाराम के सांसद। धन्यवाद।